अगर आपसे कोई ये कहे कि एक ऐसी भी जगह है इस दुनिया में जहां पर बड़ी बड़ी जहाजें गायब हो जाती हैं, वहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, ऐसी घटना को बहुत से फिल्मों में भी देखे होंगे, पर इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी रहस्यमयी जगह दुनिया में वास्तव में है, तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है जो कैरिबियन सागर में है। इस ट्रायंगल से गुजरने वाले बड़े से बड़े समुद्री जहाज, हवाई जहाज और भी वस्तुएं गायब हो जाती हैं। इसी कारण बरमूडा ट्रायंगल को डेविल यानी राक्षस ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हिस्सा है जो अमेरिका के पास स्थित क्यूबा में है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के नजदीक है। यह उस कटिबंधीय क्षेत्र में पश्चिमी गोलार्ध में आता है। पिछले 100 वर्षों में यहाँ 75 हवाई जहाज, 100 से ज्यादा छोटे बड़े समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पर्थ है जो 8381 मीटर है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सन 1498 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि वो भ्रमण कर रहे थे और जैसे ही वो इस क्षेत्र के नजदीक पहुंचे, उनका दिशा बताने वाला कंपास काम करना बंद कर दिया। उनमें अजीब सी हलचल होने लगी और उसके बाद में उन्होंने देखा कि आसमान से एक रहस्यमयी आग का गोला आता दिखाई दिया जो सीधा समुद्र में जा गिरा। इसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज पेट्रोलिंग पर निकले थे। जब वे बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में पहुंचे, कुछ देर बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि जहाज के कंपास काम नहीं कर रहे और कुछ समय बाद रेडियो सिग्नल, नेविगेशन सभी काम करना बंद कर दिया और पूर्ण रूप से संपर्क टूट गया और जहाज में बैठे लोग सभी गायब हो गए, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। और इसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई और रेस्क्यू टीम जब इस क्षेत्र पहुंची तो इसके साथ ही उसी तरह की घटना घटी और उनका भी संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और वो भी गायब हो गए और उनका भी पता नहीं चला। लगभग 4 महीने बाद दिसंबर 1942 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बम बरसक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। उनके बचाव कार्य में 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। 1964 ईस्वी में विंसेंट गड्डिस ने अपने मैगजीन में बताया कि कैसे ये जहाजों को निगल लेता है, इसलिए इसका नाम डेविल ट्रायंगल रखा गया है। और उन्होंने लिखा कि इस दुनिया में एक डायमेंशन है, दूसरी दुनिया जो बरमूडा ट्रायंगल में बसता है। उसके बाद से लोगों के मन में बरमूडा ट्रायंगल का खौफ बसने लगा। ब्रूस जर्मन नाम का एक पायलट बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा वापस आया और उन्होंने सारी घटना को विस्तार से बताया। One reason why I think the Bermuda Triangle is always so controversial to some people is that the victims did exist. This is nothing subjective like Bigfoot or UFOs or someone claiming they have sighted something. These ships and planes were real and they have vanished. On December 5, 1945, 5 U.S. Navy torpedo bombers took off from NAS Fort Lauderdale. उन्होंने बताया कि सन 1970 ईस्वी में वो, उनके पिता और उनका एक साथी बहामास से मियामी के लिए जा रहे थे। जब वे इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे तो उनके जहाज के सिग्नल, कंपास और इंजन काम करना बंद कर दिया। फिर अचानक से मौसम खराब हो गया और इन्हें बादल का झुंड दिखाई दिया जिसमें सर्किल बना हुआ था और वो काले बादलों की गुफा जैसे लग रहा था। और उन्होंने कहा कि ये बादल इनकी तरफ तेजी से आ रहा था, इन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं मिला और ये उसमें घुस गए। बादलों के अंदर जाते ही बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी और रोशनी बहुत तेज थी और हवाएं बहुत तेज थी। फिर अचानक से सब कुछ दिखना बंद हो गया और केवल धुआं ही धुआं दिख रहा था। और इस 3 मिनट में उनकी जहाज 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, यानी कि जहाज की स्पीड
3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और इस दूरी को तय करने के लिए उन्हें जो फ्यूल खर्च होना चाहिए था वो भी खर्च नहीं हुआ। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में जहाज़ों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं। जहाज़ों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में ज्वालामुखी बहुत अधिक संख्या में और जब ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं तो इसमें से मीथेन गैस और अन्य जहरीली गैसें निकलती हैं। इससे समुद्र के पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है क्योंकि जहाज को समुद्र के घनत्व के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक विशेष शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के क्षेत्र में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं जिससे तेज हवाएं टकराती हैं और इन हवाओं से हलचल उत्पन्न हो जाता है और इन हवाओं को चक्रवात में बदल देता है और ये बादलों और समुद्र के जल को लहरों में बदल देते हैं जो सुनामी से भी अधिक खतरनाक होता है और इसमें जो भी आता है फंस जाता है। समुद्र के अंदर की पहाड़ी जिसे रिज या कटक भी कहते हैं ये पानी की सतह के नीचे होते हैं जिसमें जहाज टकरा कर गिर जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीज़ों को अपनी ओर खींचने की ताकत होती है। हेक्सागोनल बादल की शेप 6 सतह वाला क्लाउड की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इन हवाओं की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं तो उन्हें खींच कर समुद्र के तल में ले जाते हैं और उसमें जो भी आता है फंस जाता है। बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह से भारत में भी एक ट्रायंगल पाया जाता है जो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में एक एयर स्ट्रिप स्थित जिसे अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था जिसका नाम अमारडा एयर स्ट्रिप है। इस दौरान 150 से 200 अमेरिकी जहाज आपस में टकरा कर गिर गए थे। जब ऐसा हुआ तो कोई भी मौसम खराब नहीं था, नहीं बादल थे, नहीं हवाएं थी। ऐसा होने का कारण बताया जाता है कि यह क्षेत्र झारखंड के करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की खदान है। यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसके उच्च रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेविगेशन काम करना बंद कर देता है या खराब हो जाते जिसके कारण जहाज आपस में टकरा जाती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि इस दुनिया में ऐसा भी जगह है जहाँ पर वस्तुएं अचानक से गायब हो जाती। लोगों को ये जगह हॉरर प्लेस की तरह से लगता है जिससे लोग इसे ब्लैक होल बोलते हैं, पर यहाँ पर होने वाली सारी घटनाओं का कारण वैज्ञानिक कारण है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।